हेलो एवरीवन, टुडेज टॉपिक इज एजेक्स टेक्नोलॉजी। तो देखते हैं क्या होता है। एजेक्स स्टैंड फॉर एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट एंड एक्सएमएल। तो एजेक्स का फुल फॉर्म होता है एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट एंड एक्सएमएल। अब ये तीन ही क्यों? तो एसिंक्रोनस बिकॉज इट डज नॉट डिस्टर्ब द यूजर्स वर्क एंड डज नॉट रिफ्रेश द फुल स्क्रीन। अब एजेक्स टेक्नोलॉजी जो है वो वेब एप्लीकेशन, वेब प्रोग्रामिंग के लिए यूज़ की जाती है। तो जब हम वेब एप्लीकेशन, वेब प्रोग्रामिंग बनाते हैं तो एट दैट टाइम जो यूज़र वर्क, यूज़र अगर कोई टास्क परफॉर्म कर रहा है तो वो डिस्टर्ब ना हो और उसका जो पेज है वो फुल्ली रिफ्रेश ना हो हर टाइम पे, इसलिए हम एसिंक्रोनस का यूज़ करते हैं। जावास्क्रिप्ट बिकॉज इट यूज़ जावास्क्रिप्ट फॉर एक्चुअल वर्क। एक्चुअल वर्क परफॉर्म करने के लिए जावास्क्रिप्ट का यूज़ होता है जो कि एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। XML बिकॉज XML सपोज टू बी एवरीवेयर टूडे। और XML इसलिए क्योंकि नाउ आर डे मैक्सिमम वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए XML टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है। तो एजेक्स क्या है? एक टेक्नोलॉजी है जो कि जावास्क्रिप्ट और XML का यूज़ करके बनी हुई है और ये वेब एप्लीकेशन बनाने के काम आती है। एजेक्स इज़ अ न्यू टेक्नोलॉजी ऑफ वेब प्रोग्रामिंग एंड इट्स प्राइमरी कंपोनेंट्स आर जावास्क्रिप्ट एंड XML। जैसे हमने प्रीवियस पॉइंट में देखा कि एजेक्स क्या है, एक न्यू टेक्नोलॉजी है जो कि वेब प्रोग्रामिंग के लिए यूज़ हो रही है जिसके प्राइमरी कंपोनेंट्स है जावास्क्रिप्ट एंड XML। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। एजेक्स इज अ टेक्नोलॉजी विच डिस्क्राइब्ड हाउ अदर टेक्नोलॉजीज जावास्क्रिप्ट XML एंड DOM डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल कैन बी यूज टुगेदर फॉर डेवलपिंग इंटरेक्टिव वेब एप्लीकेशंस। अब एजेक्स टेक्नोलॉजी जो है वो वेब एप्लीकेशंस को डेवलप करने के लिए यूज़ की जाती है जिसके अंदर हम जावास्क्रिप्ट, XML, DOM इन सभी टेक्नोलॉजीज का यूज़ करते हैं। अब एजेक्स का हमने फुल फॉर्म देख लिया, क्यों यूज़ करते हैं इसको वो देख लिया, कौन कौन सी इसके अंदर टेक्नोलॉजीज यूज़ हो रही है ये भी देख लिया। अब हमने इन टेक्नोलॉजीज को कंबाइन क्यों किया, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट, तो ये हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट में कि हमने इन टेक्नोलॉजीज को कंबाइन करके एजेक्स बनाया ही क्यों। तो इन द अर्लियर डे व्हेन वी यूज्ड टू क्रिएट अ वेब एप्लीकेशंस विद जावास्क्रिप्ट, डॉम एंड XML टेक्नोलॉजी, द एप्लीकेशन बेस्ड ऑन दिस टेक्नोलॉजी वर नोन सेपरेटली। सो द एंड यूजर कुड नॉट वर्क ऑन द वेब एप्लीकेशंस एज डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन। तो होता क्या था कि जब स्टार्टिंग में वेब एप्लीकेशंस जावास्क्रिप्ट, XML, DOM इन टेक्नोलॉजीज का यूज़ करके जब वेब एप्लीकेशंस बनाई जाती थी तो ये सभी तो सेपरेट टेक्नोलॉजीज हैं, तो इन सेपरेट टेक्नोलॉजीज का यूज़ करके जब हम वेब एप्लीकेशन क्रिएट करते थे तो ये टेक्नोलॉजी भी, जो वेब एप्लीकेशन होती थी वो इन सेपरेट टेक्नोलॉजीज के यूज़ होने के कारण यूज़र एंड यूज़र को डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन जैसा एटमॉस्फेयर प्रोवाइड नहीं कर पाती थी। मतलब जो भी एंड यूज़र जैसा एटमॉस्फेयर उसको डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन में मिलता है वैसा वेब एप्लीकेशन में वर्क उसके पीसी में नहीं हो पाता था। क्यों? क्योंकि जो भी हम उसके अंदर टेक्नोलॉजीज यूज़ कर रहे हैं वो सभी सेपरेटली यूज़ होती थी, तो वेब एप्लीकेशन को परफॉर्म होने में कुछ प्रॉब्लम्स अकर होती थी। तो इन प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए एजेक्स टेक्नोलॉजी बना। तो नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं, टू ओवरकम दिस जैसे जेम्स कैरेट ऑफ एडेप्टिव पाथ कंबाइंड जावास्क्रिप्ट, XML एंड DOM टुगेदर टू फॉर्म न्यू टेक्नोलॉजी कॉल्ड एजेक्स। अब इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए जैसे जेम्स कैरेट ने क्या किया, जावास्क्रिप्ट, XML, DOM इन टेक्नोलॉजीज को कंबाइन करा और उसको नाम दिया गया एजेक्स टेक्नोलॉजी। अब ये एजेक्स टेक्नोलॉजी क्या करती है, इन दिस टेक्निक द रिक्वेस्ट टू द वेब सर्वर इज सेंड बाय XML HTTP रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये यूज़र PC है, वेब एप्लीकेशन बना, अब उसको वेब सर्वर तक रिक्वेस्ट सेंड करने के लिए एजेक्स रिक्वेस्ट भेजेंगे और वहाँ से रिस्पॉन्स लेने के लिए एजेक्स रिस्पॉन्स के फॉर्म में ही PC को वेब सर्वर से रिस्पॉन्स मिल रहा है। अब यहाँ पे पहले क्या हो रहा था, जब भी हम वेब एप्लीकेशन से रिक्वेस्ट सेंड करते थे तो इसके अंदर सारे टेक्नोलॉजीज सेपरेट थी तो वो सेपरेटली वर्क करती थी, पर एजेक्स में क्या हुआ, ये सारे टेक्नोलॉजीज कंबाइन हो गई है तो ये सभी अपने अपने रोल परफॉर्म कर रही है, अपने अपने रोल परफॉर्म कर रही है। मतलब जो XML है वो सर्वर तक आपका जो डाटा है वो सेंड कर रही है XML HTTP रिक्वेस्ट का यूज़ करके, और ये जो रिक्वेस्ट सेंड हो रही है, जो आपका डाटा एक्सचेंज हो रहा है
इस पीसी से वेब सर्वर तक वो एसिंक्रोनसली एक्सचेंज हो रहा है, एसिंक्रोनसली जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके एक्सचेंज हो पा रहा है। अब हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि अब जो वेब एप्लीकेशन होती है वो डायनेमिकली वर्क करती है, उनका बिहेवियर एसिंक्रोनस होता है, तो ये डाटा एसिंक्रोनसली एक्सचेंज हो पा रहा है जावास्क्रिप्ट की मदद से। तो एजेक्स टेक्नोलॉजी, हमने एजेक्स टेक्नोलॉजी के अंदर हमने डिफरेंट टेक्नोलॉजीज कंबाइन तो कर दी, पर ये अपने सेपरेटली वर्क परफॉर्म करके सारा टास्क एक बार में परफॉर्म कर रही है, जैसे कि हम डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन में देखते हैं। तो ये हो क्या रहा है, यहाँ पे डाटा एक्सचेंज हो रहा है एसिंक्रोनसली पीसी और वेब सर्वर के बीच में, जो कि वेब सर्वर सर्वर साइड कोड को भेजकर देन उससे रिस्पॉन्स लेगा और वो फिर फाइनली एजेक्स रिस्पॉन्स सेंड करता है दिस पीसी को जिसने वेब एप्लीकेशन से रिक्वेस्ट सेंड की थी। तो समझ आया कि एजेक्स टेक्नोलॉजी क्या है, इसके अंदर कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज कंबाइन है, किस लिए ये यूज़ होता है और इसको हमने बनाया क्यों, क्या प्रॉब्लम्स थी, उन प्रॉब्लम्स को ओवरकम किया, देन ये अभी क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहा है। एजेक्स टेक्नोलॉजी क्या है, वेब एप्लीकेशंस बनाने के लिए यूज़ होता है, और इस एजेक्स टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हमारा जो पहले सेपरेट टेक्नोलॉजीज वर्क कर रही थी वो सभी एजेक्स में कंबाइनली वर्क कर रही हैं अपने अपने टास्क, जो कि अभी एक स्मूथली स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने में हेल्प करती है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट एजेक्स, थैंक यू।